बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के 12 आगमन को लेकर 3 दिवसीय आयोजन के तहत शनिवार को शहर में निकाली गई कलश यात्रा ऐतिहासिक रही। कलश यात्रा की सफलता से आयोजकों के चेहरे खिल उठे, वहीं शहर में चर्चा का विषय भी बन गया। शहर के खेल संकुल व श्रीराम स्टेडियम से शुरू हुई कलश यात्रा में लगभग 50,000 से अधिक लोगों की भीड़, वहीं 30,000 से भी अधिक महिलाओं ने कलश लिए। कलश यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत द्वार लगाकर व्यापारिक व सामाजिक संगठनों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं कई सामाजिक संगठनों ने शरबत व ठंडा पानी पिलाकर लोगों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। लगभग 1.5 घंटे तक निकली कलश यात्रा के दौरान शहर के सभी रास्ते जाम रहे। कलश यात्रा का समापन कृषि उपज मंडी स्थित कार्यक्रम स्थल पर हुआ। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 12 में 3 दिवसीय कार्यक्रम बागेश्वर धाम भक्त मंडल के सदस्य आनंद गर्ग के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें 3 सितंबर को हनुमत कथा व 4 सितंबर को हनुमत कथा व दिव्य दरबार का आयोजन होगा। कार्यक्रम को लेकर 12 जिला समेत आसपास के क्षेत्र में काफी उत्साह है और आज से ही लोगों का आना शुरू हो गया। कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस जवानों का जब्त तैनात किया गया।